Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उधर मुंबई में कमला मिल आग हादसे को लेकर वन एवं बार के फरार मालिकों की तरफ से उनके रिश्तेदार आदित्य सिंघवी ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि आग पहले वन एवं बार में नहीं बल्कि मोजो बार में लगी थी। वहीं सिंघवी ने आरोप लगाया कि पुलिस मोजो बार के जो मालिक है उनको बचाने की कोशिश कर रही है। आदित्य ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। संदीप सोनवलकर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, इस बयान के बाद अब जांच की दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर पुलिस पर यह दबाव आएगा कि इस बयान के बाद वो इस बारे में सोचे, क्योंकि अब तक सीधे तौर पर वन एवं बार पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया था और उनके दोनों मालिक रितेश सिंह भी और जिगर सिंह भी फरार हैं। जाहिर तौर पर उनको लगातार पुलिस सर्च कर रही है, लेकिन वो पिछले एक हफ्ते से नहीं मिल रहे। ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिरकार कमला मिल हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि वन एवं बार के मालिकों का दावा है कि आग तो दरअसल मोजो बार में लगी थी और मोजो बार के जो मालिक है वो बहुत बड़े लोग हैं। उनमें एक आईपीएस का बेटा है, दूसरा शंकर महादेवन का बेटा है जो मशहूर सिंगर है, इसके अलावा एक जो मशहूर होटल है नागपुर की। तो बेसिकली ये सीधे सीधे आरोप है कि कहीं ना कहीं चूंकि ये नागपुर के जुड़े लोग हैं तो उनका मुख्यमंत्री तक संबंध जाता है। तो एक तरीके से आरोप लगाया गया है और सीबीआई जांच की मांग की गई। शुक्रिया संदीप। लोग आरोप लगाते कि वन वक्त में पूरा कांड हुआ, आग वहीं लगी, असल में क्या हुआ? आग असल में मोजोज से शुरू हुई थी, जो हमारी बगल में है वन अबव के बगल में जो रेस्टोरेंट है मोजोज, वहाँ से शुरू हुई थी आग। आग बहुत छोटी थी ये आग, बट मोजोज वालों के पास प्रॉपर फायर इक्विपमेंट्स नहीं थे, उनका स्टाफ जो था वो ट्रेंड नहीं था फायर को हैंडल करने में, इस वजह से ये आग बड़ी होकर हमारे यहाँ पर वन अबव में आ गई। लेकिन सर, लोग कहते हैं कि हुक्का के जरिए आग लगी थी, कोई कहते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ, आपको क्यों जानको कि आपका पूरा स्टाफ वहाँ मौजूद था, क्या वजह रही होगी पहली आग लगने की? पहली आग वहाँ से लगी है मोजोज से, वजह तो मुझे नहीं पता कि आग क्यों लगी है, बट मेरे पास वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है और लाइव आई विटनेसेस है जो कहते हैं कि आग मोजोज से शुरू हुई है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कुमार विश्वास पर दिल्ली सरकार और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। गोपाल राय ने फेसबुक लाइव के दौरान दावा किया कि अप्रैल 2017 में हुए एमसीडी चुनाव के बाद दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिष की गई थी और कुमार विश्वास इस पूरे षड्यंत्र के केंद्र थे। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि विश्वास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर सार्वजनिक मंच से पार्टी पर प्रहार किए हैं और ऐसे में विश्वास को राज्यसभा कैसे भेजा जा सकता है। सवालों के जवाब में गोपाल राय ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हमने सबसे जिद जो की थी कुमार विश्वास को बोलने दिया जाए और जब उन्हें बोलने का मौका दिया गया तो वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ बोलने के बजाय पार्टी के ही खिलाफ बोलने लगे। जो सार्वजनिक तौर पर हर पल हर मंच का उपयोग पार्टी के खिलाफ बोलने का उपयोग करता हो, राज्यसभा में भेजा जा सकता है? उधर अमेरिका ने आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सुरक्षा बल को मिलने वाली सभी रक्षा सहायता रोक लगा दी है। उस पर अमेरिका ने पाकिस्तान पर यह कार्रवाई आतंक के खिलाफ जंग में सहयोग न करने के कारण की। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान जब तक अपने यहाँ मौजूद जो हक्कानी नेटवर्क है और अफगान तालिबान के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करता तो ये रोक तब तक जारी रहेगी। इस फैसले के तहत रक्षा मामलों से संबंधित वित्तीय मदद और फौजी साजो सामान की मदद पर रोक भी शामिल है। इससे पहले अमेरिका ने धार्मिक आजादी के मामले में भी पाकिस्तान को निगरानी वाले देशों की सूची में रख दिया था, क्योंकि उसका ये मानना है कि पाकिस्तान में धार्मिक आजादी का घोर उल्लंघन हो रहा है।